नवरात्रि के पर्व में पूरे देश में जोरों शोरों पर चल रहा है विजयदशमी का त्योहार। जी हाँ, सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं माँ लेहड़ा देवी। महाराजगंज जनपद के फरिंदा तहसील के ब्रिजमरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा अदरौना में स्थित प्राचीन शक्तिपीठ माता लेहड़ा देवी का भव्य और सुंदर मंदिर प्रकृति की अनुपम क्षेत्र में स्थित है। यह शक्तिपीठ पड़ोसी देश नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था एवं विश्वास का मूल केंद्र है। इस शक्तिपीठ का महत्व प्राचीन काल से है। प्राचीन काल में महाभारत के पांचों पांडवों को अज्ञातवास जाते समय आद्रवन के घने जंगल में स्थित पौह नदी को पार करते समय उन्हें शक्ति का आभास हुआ, तो पांडवों ने पूजा पाठ करके माँ का आशीर्वाद लेकर राजा विराट के नगर में भेष बदलकर प्रवेश हो गए। वर्तमान मंदिर के उत्तराधिकारी व पुजारी हरिश्चंद्र पांडे ने बताया कि किसी समय यहाँ से होकर पौह नदी बहा करती थी, वह आज भी पौह नाले के रूप में मंदिर के पीछे मौजूद है। प्रारंभिक दौर में यह मंदिर काफी जीर्ण शीर्ण था, पिंडी के ऊपर छत तक भी नहीं थी, पर आज यहाँ एक भव्य मंदिर स्थापित है। शारदीय नवरात्र हो या चैत मास की रामनवमी, यहाँ पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब पूरे साल ही रहता है। यूपी बिहार और पड़ोसी देश नेपाल से उत्साही युवक युवतियाँ पैदल ही लंबी दूरी तय करके यहाँ पर माँ के दर्शन करने आते हैं। इस शक्तिपीठ के मुख्य पुजारी देवीदत्त पांडे एवं उत्तराधिकारी हरिश्चंद्र पांडे और उनका पूरा परिवार मंदिर की सेवा में निरंतर लगा रहता है। आइए देखते हैं महाराजगंज जनपद से इंडिया पावर न्यूज की एक रिपोर्ट। लहरा देवी लहरा स्टेशन उतरने के नाते लोग लहरा देवी प्रसिद्ध है। लहरा देवी यहाँ जो है ये असली नाम आदिपन है और घना जंगल था, और जो है यहाँ पीछे पावा नदी है। नदी जो हमें डोंगी नाव चलती थी और बाप बेटे नाव को चलाती थी। उसके बाद 4 बजे का शाम का समय था। माता जी सुंदर कन्या का रूप आभूषण पहन कर की सुना चाहती प्रकट हुई वहाँ। सूर्य शाह की कन्या का रूप धारण कर तो मल्ला सी माता जी थे, फिर वो खड़ा हुआ हमारा। तो माता जी ने बोली कि मुझको उस पार ले जाओ। तो माता जी ने वो उनके मन में पाप बस किया, नाविक की जो बाप बेटी थी छीनना चाहे तो कहीं दुष्ट ले चलो मुझको उस पार। नाविक जो है नाव को ले गए और उस पार माता जी बैठी, और जैसे आधे से अधिक आया स्पर्श करना चाहे छूना चाहे तो माँ जो है क्रोधित होकर के महालक्ष्मी महाकाली असली रूप में आ गई तो थर्रा गए, कांपने लगे, हिलने लगे, और माँ क्रोधित होकर के उनको श्राप दे, जाओ तुम भी पत्थर हो जाओ। और जो है वो भी पत्थर हो गए, और उत्तर तरफ माता जी के उत्तर तरफ उनका वो जो है पत्थर हो गया अभी विराजमान। तभी से पूजा अर्चना जो है, उसके बाद हमारे बाबा जी जो सूरदास थे उनको माँ ने स्वप्न दी कि आओ जो है मैं यहाँ पे हूँ, झाली झोला काट करके हमारा सूरदास जो महाकवि सूरदास जी थे वो नहीं हमारे पूर्वज थे जो है। तो धीरे वो आए, काटा कुसा काट करके पहले जो है माटी से लिपते थे जो है धीरे धीरे माता जी पिंडी के रूप में तो धीरे धीरे जो है वो अपना जो है बढ़ता गया जैसे जैसे भक्त आए भक्तों से प्रेरित किया गया, कुछ दक्षिणे के पैसे से निर्माण हुआ धीरे धीरे। उसके बाद एमएससी साहेब बड़े शिक्षक पांडे जो है उनका विशेष सहयोग था, उसके बाद जो है पांडव लोग आए
जा रहे थे इस रास्ते से और आभास हुआ, मतलब जब अज्ञात वास में जा रहे थे तब, हाँ तब उनको आभास हुआ कि जो है यहाँ शक्ति है, आए दर्शन किए और माँ से आशीर्वाद लिए, माँ ने आशीर्वाद दिया जाओ विजय यो मस्त विजय रहे, गए राजा विराट के यहाँ, वहाँ जो है अज्ञातवास किए, उनका अज्ञातवास पूरा हुआ। उसके बाद यहाँ धीरे 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 जो है जंगल कटता गया होता गया और जो है इसी जो है विकास होता गया।